हेलो दोस्तों, कांति जंस में आपका फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें बाहर की सब्जी पूरी बहुत ही पसंद है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बिल्कुल होटल वाली सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी बिना लहसुन प्याज की। तो देर किस बात की है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे सरसों तेल। जी हाँ दोस्तों, ये सब्जी सरसों तेल में बनाने से बहुत ही टेस्टी बनेगी। तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना। उसके बाद एक चम्मच जीरा, हाफ चम्मच काला जीरा जिसे मंगरेला भी बोलते हैं, डालेंगे। जब इसमें क्रक्स आएगा तो इसमें एक चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। उसके बाद इसमें उबले हुए आलू को स्क्वायर पीस में कट कर डाल देंगे। साथ में इसमें एक चम्मच नमक भी डाल देंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए बीच बीच में चलाते हुए भूनना है। दोस्तों, आपसे मैं एक टिप शेयर करूंगी, जब भी आप आलू की कोई भी रेसिपी बनाएं तो उबालते समय पानी में नमक डाल दीजिए। आलू को भूनते ही समय एक चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल देंगे जिससे कि हल्दी का कच्चापन नहीं आए। जब तक आलू भुना रहा है तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक लेंगे बाउल, बाउल में लेंगे 4 चम्मच धनिया पाउडर। जी हाँ दोस्तों, ये सब्जी बिना लहसुन प्याज की है, इसलिए यहाँ पे मसाले में मेन आइटम है आपको धनिया। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है। अब इसमें 3 चम्मच जीरा पाउडर लेंगे। दोस्तों, आप चाहें तो धनिया और जीरा को भिगोकर मिक्सर ग्राइंडर में पीस सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच तीखा लाल मिर्च का पाउडर। देन इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आलू दम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आलू अच्छे से भुन चुका है, इसे निकाल लेना है। अब इन सारों मसालों में पानी डालकर इसे घोल कर रख देंगे। मसालों में जब पानी डालकर हम भिगो को रख देते हैं तो जब हम मसाला को भूनते हैं तो वो जलता नहीं है। अब इसे अच्छे से घोल कर ढक कर रख देना है। अगेन इसी कढ़ाई में हम फिर से लेंगे सरसों तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें 4 से 5 छोटी इलायची डालेंगे, 6 से 7 हरी मिर्च, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल के इसे अच्छे से 15 से 20 सेकेंड के लिए सौटे कर लेंगे। उसके बाद इसमें भिगोया हुआ मसाला को ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे, साथ में नमक भी ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार, और इसे हमें ढक कर 10 से 12 मिनट के लिए भूनना है। मसाला में जब अच्छी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें उबले हुए आलू को मैश करके डाल देंगे। जी हाँ दोस्तों, आलू बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा उबला हुआ होना चाहिए, इससे कि ग्रेवी आपका गाढ़ा हो जाएगा। आलू को अच्छे से भून लेना है जिससे कि इसमें आलू का कच्चापन का स्मेल ना आए। आलू जो फ्राई करके रखा हुआ है उसे भी इसमें डाल देना है। 2 मिनट भूनने के बाद खौलता हुआ पानी डालेंगे। जितना आपको ग्रेवी रखना है पानी आप उतना ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, लग रही है ना होटल वाली सब्जी। जब इसमें बॉयल आने लगेगा तो इसको और टेस्टी बनाने के लिए 1 चम्मच कसूरी मेथी को क्रश कर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद गैस ऑफ कर देना है। सो गाइस, आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।